बैक टू माई चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज बहुत ही टाइम के बाद आप लोग मेरा चेहरा देख रहे होंगे क्योंकि मैं काफ़ी टाइम के बाद आज वीडियो बना रही हूँ। कोई नहीं, होता है कभी कभी मेरा मन नहीं होता है बनाने का, बट जब मन होता है तो मैं बहुत बिजी हो जाती हूँ। तो आई एम रियली सॉरी कि मैं इतने टाइम के बाद आज वीडियो बना रही हूँ। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि गिव अवे एंड होने वाला है बहुत ही ज़्यादा जल्दी 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 अप्लाई कर दो। 23 नवंबर को एंड हो रहा है। अब पता नहीं जब भी वीडियो डालूंगी पता नहीं कौन सी डेट होगी, बट 23 नवंबर को गिव अवे एंड हो जाएगा। तो किसकी वेट है, जल्दी से अप्लाई कर लो। इंस्टाग्राम पे जाओ, मेरे यहाँ पे नेम है मेरा, वहाँ आपको पता चल जाएगा कि क्या कंडीशन है क्या नहीं है। 23 को खत्म हो जाएगा गिव अवे और फिर किसी और को मिल जाएगा। छापते हो आपको मिले तो फटाफट जाओ ना, देखो ना। ओके, सो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि आज मैं फिर से एक स्पाइसी कोरियन नूडल्स ट्राई करने वाली हूँ। पहले भी मैंने एक चैलेंज करा हुआ है बट वो बहुत ही ज़्यादा एक्चुअली स्पाइसी थे। अब ये वाले मुझे नहीं पता कैसे होंगे कैसे नहीं है। ये हैं हमारे नूडल्स, शिन रम्यन नूडल सूप। अच्छे लग रहे हैं, मतलब इनकी ना क्वालिटी मेरे को ये अच्छी लगती है कि ना ये दिखते बड़े सुंदर से हैं, मतलब बिल्कुल शाइनी शाइनी से हो रहे होते, एकदम शाइन कर रहे होते और अच्छे लगते हैं। मन का टेस्ट थोड़ा अजीब होता है। सबसे पहला स्टेप है वाटर बॉयलिंग। अभी पहले वाटर हमारा जो है बॉयल हो रहा है, फिर देखते हैं आगे क्या करता है। तो पहले भी मैंने कोरियन नूडल्स बनाए हुए हैं, स्पाइसी नूडल्स जो थे आप लोगों ने देखे होंगे। वो पता, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किए थे उन्होंने भी देखे थे, पूरे 1000 तक पहुँचे थे और उन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, मुझे बड़ा गुस्सा आया। तो जिन्होंने नहीं देखा वो यहाँ पे देख लेना। तो इसमें ये है कि मुझे पहले नहीं डालने हैं सारे इंग्रेडिएंट्स, मतलब पहले डालने हैं इंग्रेडिएंट्स। और उसमें ये था कि पहले बॉयल वॉयल हो गया था, उसके बाद मैंने सॉस वगैरह उसमें डाली थी, बट इसमें है कि कुक करते वक्त ही डाल देना है। तो देखते हैं क्या होता है। ये मिला हुआ है एक मेरे को वेजिटेबल मिक्स एंड दिस इज़ सूप बेस। ओके, कुछ भी डाल दिया मैंने इसमें। एक तो मेरे को बड़ी प्रॉब्लम होती है, इनके जो नूडल्स होते हैं ना बहुत ही ज़्यादा मोटे से होते हैं। अब हमारी मैगी पतली सी होती है और ये बहुत ही ज़्यादा मोटे होते हैं, मन ही अजीब सा हो जाता है खाने से पहले। वीडियो में देखा है कि बताओ, जिस दिन मैं वीडियो बना रही हूँ उसी दिन मैं वीडियो में देख रही हूँ कि नूडल्स कैसे बनाने हैं। तो अभी मैंने इसमें वेजिटेबल मिक्स डाला, उन्होंने लिखा है पहले वेजिटेबल मिक्स डालना है, जब ये पक जाएगा पूरी तरह से अच्छे से कुक हो जाएगा तो इसमें हम सूप बेस डाल देंगे। तो मैंने ये डाल दिया है मसाला इसमें और मिक्स करूँगी अभी। अरे वाह, इसकी तो लुक ही चेंज हो गई, वो गर्म है। माय गॉड, दे आर लुकिंग सो प्रिटी एंड टेस्टी। टेस्टी लग रहे हैं और सुंदर लग रहे हैं। मैंने थोड़ा अपना स्पाइस लेवल बढ़ाने के लिए इसमें ऊपर चिली फ्लेक्स भी डाल दिया है एंड लेट्स सी कैसा होता है। पहले एक बाइट जब करूँगी फिर आपको बताऊँगी कैसे, उसके बाद बाकी का आगे सारा फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा। कैन यू सी दिस स्टीम, ओह माय गॉड, इतने ज़्यादा हॉट है ये सब। मतलब इतना भी सबर नहीं हुआ कि मैं इसको ठंडा कर लूँ लिटरली। अच्छा लग रहा है देखने में, सॉरी, ओह माय गॉड। बोले तो बिंदास स्पाइसी है ये। है अभी तो वैसे एक ही बाइक लिया है, पहले पूरा खाते हैं उसके बाद बताते हैं। हाय, मैंने दूध भी नहीं रखा है यहाँ पे। Thank you.
हमारे नूडल्स जो है फिनिश हो गए हैं। तो अब मैं आपको एक फैक्ट बताती हूँ, इसका एक रिव्यू देती हूँ कि जैसे मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा है ट्राई करते हुए, तो बहुत ही ज़्यादा हल्ला बताते थे कि बहुत स्पाइस है, बहुत स्पाइसी है मैं मानती हूँ, बट इतनी नहीं है, मेरा ठीक ठाक है, नॉर्मल है, बट ये नूडल्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे और टेस्टी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं और बहुत ही अच्छे, क्योंकि मैंने जो पिछले वाले नूडल्स ट्राई करे थे वो सिर्फ स्पाइसी स्पाइसी थे और उसमें कुछ था ही नहीं, उसमें ना टेस्ट था ना कुछ था। तो ये नूडल्स आप जरूर जरूर ट्राई करना, इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी। बाकी बहुत अच्छे थे, मिर्च तो लग रही है मुझे, बट इतनी नहीं है, ठीक था, नॉर्मल है, आप खा सकते। तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो बहुत ही जल्दी पोस्ट होगी, अब केवल पक्का जल्दी पोस्ट होगी, टेंशन मत लेना। तो तब तक के लिए बाय।